नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल, प्लस टू बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानका चौक दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। MRM कॉलेज दरभंगा में प्रथम दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन, 110 छात्राओं को मिली स्नातक की डिग्री। सरकारी तालाबों के सर्वेक्षण हेतु टीम गठित, जल संकट का मुख्य कारण भूगर्भ जल स्तर का रिचार्ज नहीं होना, बोले DM। तालाबों को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करा होगी उराही, कहा नगर आयुक्त ने। सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आयोजित। 20 से 25 मई के बीच एक सप्ताह में 321 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, दरभंगा रेंज के तीनों जिलों में कार्रवाई, DIG ने दी जानकारी। और उज्ज्वला योजना के तहत जिले के 20,000 घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाया गया, बचे हुए योग्य लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने का कार्य जारी, जिलाधिकारी ने कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग किला दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास प्ले टू फिफ्थ को एजुकेशन एंड क्लास सिक्स टू टेंथ ओनली फॉर गर्ल्स, विथ हॉस्टल फैसिलिटीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विथ स्मार्ट क्लासेस, वेल मेंटेन प्लेग्राउंड विथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। टुगेदर वी अचीव द। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानका चौक दरभंगा। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम, डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड दरभंगा। A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs, all classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your world. Priya Creations, Mithilanchal ka pehla ethnic designer studio, complete women's wedding collection ke saath, V2 mall ke nikat, Astha Market, Station Road, Mirzapur, Darbhanga.
फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन न्यू एरा पब्लिक स्कूल इन फ्रंट ऑफ लहरिया सराय थाना दरभंगा इको फ्रेंडली पीसफुल एंड हेल्दी एटमोस्फेयर एक्सपोजर टू वेरियस कल्चर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज एज वेल एज ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कम सी एंड डिसाइड। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI प्लस टू शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरिया सराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021 क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन अवधि 2 वर्ष शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर अवधि 2 वर्ष शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं स्वीकृत संस्थान के कार्यालय से ₹500 नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहरिया सराय दरभंगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। और समाचार अब विस्तार। मंगलवार को MRM कॉलेज दरभंगा में प्रथम दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। 110 छात्राओं को स्नातक की डिग्री मिली। MRM कॉलेज दरभंगा में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन मंगलवार को किया गया। 110 छात्राओं को स्नातक की डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की। इस कार्यक्रम में प्रतिकुलपति प्रोफेसर जयगोपाल, कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता शामिल हुए। दीक्षांत भाषण पूर्व कुलपति डॉक्टर SM झा ने दिया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार झा के साथ उपस्थित रहा पूरा महाविद्यालय परिवार। अपने संबोधन में कुलपति ने कहा कि इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का एकमात्र अंगीभूत महिला महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। नारी शक्ति का स्वरूप होती है। नारी के विकास से ही समाज और राष्ट्र का विकास होता है। आगे उन्होंने कहा कि एक समाज की स्थिति वहाँ की महिलाओं की स्थिति से ही पता चलती है। उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ ही जीवन में बेहतर करने का संदेश भी इस अवसर पर उन्हें दिया। I eventually have been vested in me and my chapter of this university. I have been one of these students in the list of principals in absentia, to the degree for which they have been examined and found qualified by the university. और जब तक वो पेरेंट्स के घर में हैं, इनको अपने पेरेंट्स के पांव को चुने का अधिकार नहीं है। हमारे बेटे हमारा पांव छू सकते हैं लेकिन बेटी उनमें हम सोचते हैं, हमारे कल्चर में है कि बेटी एक देवी है, हम उसकी पूजा करते हैं और बेटी से हमारे कल्चर में पाँव छूने का रिवाज नहीं है। तो आज मैं इतनी देवियों के सामने खड़ा हूँ, इसलिए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आपको संबोधित करना चाहिए। आज इन सबको डिग्री की उपाधि मिली, मैं सबको बधाई देता हूँ। आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षा और दीक्षा
का ट्रेडिशन बहुत पुराना है। उपनिषद में इसका वर्णन है, जब गुरु शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य को दीक्षा देता था, दीक्षा के लिए वो समर्पण था जब आपकी शिक्षा पूरी हुई। नाउ यू कैन गो एंड फेस द वर्ल्ड टू हैव टू लिव इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन द नॉलेज विच यू हैव गेन विच आई हैव गिवन यू इन द गुरु। All of you are graduate, you have improved your knowledge when you came here, and now if you compare, you have more knowledge in 3 years. So now you are ready to face the world. You are ready to take up job, or even you can go for higher studies. So आपका भी student है, आपका जो विद्यार्थी का जीवन है, अपने मन में कभी भी विद्यार्थी को विद्यार्थी की भावना को खत्म ना होने दें, अपनी जिज्ञासा को कभी खत्म नहीं होने दें, एंड यू कंटिन्यू टू गेन नॉलेज। आई होप यू विल डू दैट। आज के समय में बहुत बात होती है महिला सशक्तिकरण की। सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय के 60 वर्षों के इतिहास में होने वाले इस प्रथम दीक्षांत समारोह में आप सभी लोगों का विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ आज डिग्री हासिल करने वाले छात्राओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बधाई के पात्र उनके माता पिता, उनके अभिभावक, ये शिक्षण संस्थान और समाज के वे सारे लोग हैं जिन्होंने उनको इस योग्य बनाया कि वे आज इस दीक्षांत समारोह में आकर के स्नातक की डिग्री हासिल कर रही हैं। जीवन में अवसर बहुत आते हैं, लेकिन दुर्लभ अवसर बहुत कम आते हैं। हमें लगता है कि ये जो छात्राएं हमारे सामने बैठी हुई हैं, इनके जीवन का यह दुर्लभतम अवसर है, क्योंकि ये अपने उन सभी साथियों से ज्यादा भाग्यशाली हैं जिन्होंने विगत में स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो मैं इस विशेष अवसर का साक्षी होने के लिए पुनः एक बार सारी छात्राओं को बधाई देता हूँ। पर समय समय दीक्षांत समारोह करा करके प्रस्नातक और शोध स्तर पर डिग्रियों का वितरण करता रहा, लेकिन कॉलेज के स्तर पर डिग्री वितरण नहीं हो पाता था। लेकिन एक नई परंपरा शुरू हुई है, इसलिए हम सभी लोगों को विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों का और सारी जो स्टेटरी बॉडीज हैं जिन्होंने इसकी अनुमति दी है, उन सबों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी ने कहा है और सभी कहा है कि अगर किसी शिक्षण संस्थान का स्तर जानना हो तो आप उनके शिक्षकों और छात्रों से बात करिए, और किसी समाज का स्तर जानना हो तो स्त्रियों की तरफ एक निगाह देख करके देखिए, और स्त्रियों से बात करने के बाद समाज की स्थिति के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो इसलिए जो ये महाविद्यालय जो पूर्ण रूप से नारी शिक्षा के लिए समर्पित है, इसलिए और इस नारी शिक्षा के माध्यम से उस समाज के विकास और प्रगति में ये अहम हिस्सा निभा रहा है, इसलिए मैं इस महाविद्यालय को, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को और महाविद्यालय परिवार से जुड़े सभी लोगों को, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं समाज की प्रगति के लिए, वो बड़ा अहम कार्य कर रहे हैं। Thank you.
डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस गुड़िया कुमारी सरकारी तालाबों के सर्वेक्षण हेतु टीम का गठन हुआ। जल संकट का मुख्य कारण भूगर्भ जल स्तर का रिचार्ज नहीं होना, कहा जिलाधिकारी ने। सरकारी तालाबों का सर्वेक्षण किए जाने के लिए टीम गठित। जल संकट का मुख्य कारण भूगर्भ जलस्तर का रिचार्ज नहीं होना, बोले डीएम। जिला के कुछ क्षेत्रों में जलस्तर के नीचे चले जाने के चलते पानी की कमी हो गई है और जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा वर्तमान जल संकट के मद्देनजर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जल संकट वाले शहरी एवं ग्रामीण वार्डों में बोरिंग में स्टैंड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिन वार्डों में बोरिंग नहीं थे वहां टैंकर के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा जल संकट के लिए किए जा रहे उपायों का स्वयं नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है एवं जिला स्तर पर बराबर बैठकें आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जा रही है। दरभंगा जिला के जल संकट की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि जल संकट का मुख्य कारण भूगर्भ जल स्तर का नीचे चला जाना है एवं जल स्तर का रिचार्ज नहीं हो पाना है। भूगर्भ जल स्तर के रिचार्ज के लिए वर्षा के पानी का तालाब नहरों के संचयन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। जल संचयन हेतु तालाबों और कुएं आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। जिला प्रशासन द्वारा दरभंगा के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित तालाबों का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। जिला पदाधिकारी दरभंगा ने शहरी क्षेत्रों में अवस्थित तालाबों के सर्वेक्षण हेतु 4 टीम गठित की है। पहली टीम 1 से 12 वार्ड का सर्वेक्षण करेगी। इसके टीम लीडर अंचलाधिकारी सदर दरभंगा अरुण कुमार सक्सेना बनाए गए हैं। दूसरी टीम 13 से 24 वार्ड का निरीक्षण करेगी। इसके टीम लीडर प्रभारी अंचल निरीक्षक दरभंगा विनय कुमार ठाकुर होंगे। तीसरी टीम को 25 से 36 वार्ड का सर्वेक्षण का दायित्व दिया गया है। इसके टीम लीडर अंचलाधिकारी बहादुरपुर कमलेश कुमार होंगे। चौथी टीम 37 से 48 नंबर वार्ड के तालाबों का सर्वेक्षण करेगी। इसके टीम लीडर प्रभारी अंचल निरीक्षक बहादुरपुर समीर आचार्य होंगे। उपरोक्त टीमों को 4 कार्य करना है, जिसमें सरकारी तालाबों को चिन्हित करना, उक्त सरकारी तालाबों पर अगर अतिक्रमण है तो इसकी रिपोर्ट बनाना, यदि किसी सरकारी तालाब का स्वरूप बदल गया है तो उसे चिन्हित करना एवं सभी सरकारी तालाबों की पैमाइश कराना शामिल है। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा सभी टीमों को 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देश दिया गया है। वहीं तालाबों का सर्वेक्षण करने हेतु गठित टीमों के कार्य प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने हेतु क्रमशः उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा तथा नगर प्रबंधक दरभंगा नागमणि को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को सौंपे गए कार्य का नियत समय से पूरा कर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया है। तालाबों को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराकर होगी उसकी उड़ाही, कहा नगर आयुक्त ने। नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक का हुआ आयोजन। तालाबों को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराकर होगी उराही, कहा नगर आयुक्त ने। नगर निगम दरभंगा के सभागार में मंगलवार को महापौर वैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्तमान में शहर में भीषण जल संकट के समाधान एवं रमजान के महीने में साफ सफाई सहित कुल 17 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त श्याम किशोर, उप महापौर बॉबी खां के साथ ही सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण एवं निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि जल समस्या से निपटने हेतु तालाबों की उड़ाही करवाई जाएगी, जिसके लिए टीम गठित हो गई है। तालाबों को इस क्रम में अतिक्रमण मुक्त भी करवाया जाएगा। सभी समाचार पत्रों में, पटना के समाचार पत्रों में इसका कमी आ गया, व्यक्ति आ गया, 29 तारीख को इसका टेंडर देखने का खोलने का अंतिम डेट जो है नगर निगम कार्यालय में यही पर रखा गया है। और इस काम को जो नौ तालाब है उस तालाब को 15 सितंबर पूरा कर देना, उड़ाही कर उड़ाही कैसे हो पहले उस तालाब को अपने लंबा नशाए जिसे की बनाए थे जिसमें अपना जो अमीन है दरभंगा सदर कानून है, बहादुरपुर कानून है और जिला का संचार संकलन नाम से तालाब है
नोंगोसी का होता है, उसके अधीन लगाए हैं, उसके तहत लगाए हैं इनाकी रूप, उसके किनारे में जो कूड़ा करकट फेंका गया है उसको हटाया जाएगा। पॉलिथिन के कारण रात ज्यादा हो गया है, इंसान बताते हैं 104 यहाँ की भाषा में दादों में ज्यादा हो गया है। उस तालाब का बीचों बीच नरसिंह तालाब को उसको उस तालाब को दो पार्ट में किया जाए और बाई तरफ का पानी मानी है मशीन से गहने वाले रखा जाए और तब उसको गहरा किया जाए। इसका जो बांध है उसका चौड़ीकरण किया जाए और वहाँ अधिकरण ये छोटा मोटा है पंचरफ्तार की तीन नदियाँ भागलपुर की और दरभंगा सदर की उसके सीआई उसमें लगाए गए हैं। अधिकरण में उनका भी काम होगा, नौ तालाब है इसमें काम एक तारीख होगा 15 तारीख तक लग सकता है और उसके बाद उसमें से पानी छोड़ने फिर पानी दिया जाएगा ताकि वो जो पुराने तालाब है उसकी जिंदगी बन जाए और उसकी गहराई की जाए। तो ये पराक्रम जो है जो भी किया गया है तो नगर निगम की ओर से नहीं किया गया, नगर निगम अपना मदद कर रहा है इस पूरे काम का देख रेख नगर विकास के प्रधान सचिव कर रहे हैं और उनको के उसको भी किया जा रहा उसके लिए यहाँ नोडल ऑफिसर बनाए गए। आज चार या पाँच वार्ड में आगे काम चल रहा है तो कुछ वार्ड में मैंने पूरी देखा बता दी है इसका मेंटेनेंस जो पैनल लगता है या मीटर जो लगता है या जो एक तो जल्दी खराब होगा अधिक बार खराब होने का आपका पैनल खराब होने का 1500 रुपया तक कुछ ना हो सकता है दिक्कत भी हो सकती है लोगों को तो समस्या जो डर गया है सरकारी समस्या का उसकी रक्षा भी हो उसके अधिक से अधिक लोग फायदा ले सकें इसके लिए हम लोग को अनुरोध है और वार्ड काउंसिल से साफ कह रहा है कि आप निगरानी की बना जो निर्धारित समय पर उसको निर्धारित समय पर बंद करें। 7 नंबर वार्ड में हम देखे 1 नंबर वार्ड में प्राइवेट आदमी के यहाँ इलेक्ट्रिकल लगा दिया गया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप 2-3 दिन तक हमें दी और फिर नेक्स्ट डे हम लोग जैसा 7 नंबर में लगाया डिजाइन हम सब एक 1 नंबर भी लग पा फिर भी नहीं लगा हुआ था तो धारा में सुधार लगा करेंगे तो होगा। देखेंगे जनवरी से ही यहाँ बहुत पानी की बुरी स्थिति चल रही थी। 20 जनवरी को पटना मीटिंग थी उसमें भी हमने प्रस्ताव ही रखा था कि अभी ठंड की टाइम है इस समय अभी जल संकट हो रहा है दरभंगा शहर में जबकि हमारे यहाँ तालाब और पोखर इतनी है नदियाँ भी हैं उसके बावजूद हमारे यहाँ पानी का बहुत जल संकट है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए जलस्तर नीचे चला गया है और उसी का नतीजा है कि शहर के विकास में थोड़ा सा हम लोग की कमजोरी समझिए जो भी समझिए सरकार की उन्होंने चेतना नहीं ली और आज हम लोग को पानी का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे नगर निगम के माध्यम से जो पार्षदगण है जो मेरे पदाधिकारी कर्मचारी हैं उन लोग का सारा सहयोग से आज हमारे शहर में बहुत पहले से स्थिति अच्छी हो गई है। अभी भी हमारे नगर निगम से 20 गाड़ियाँ पानी सप्लाई कर रही हैं, 5 हमारी अपनी टैंकर वाली गाड़ी हैं, 5 जैसे उसके लिए PhD के लिए हैं 10 और 20 टैंकर हमने सिंटेक्स खरीदे हैं उसकी 10 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी के 2-2 हम लोग टैंकर और जहाँ से भी हम लोग को कंप्लेन आता है वहाँ हम लोग हत्या कोशिश करते हुए चला गए लेकिन कुछ समय लगता है अगर किसी वार्ड में गया हुआ है तो वहाँ से जब आएगा तभी पानी भर के फिर वापस जाएगा। जैसे 48 वार्ड है वहाँ के निजी में पास में कोई समर टेबल घड़ी लिए वहीं से पानी लेके और सप्लाई कर रहे हैं। वैसे बहुत से वार्ड हैं जो अपना असर से भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। पहले हमारे नगर निगम के ऑफिस में जो कॉल आते थे कंप्लेन के लिए तो 70-75 करीबन आते थे उतना हम लोग नहीं दे पाते लेकिन अब पहले से कुछ कम हुए हैं कंप्लेन आने और अब हम लोग अच्छे तरीके से पानी सप्लाई कर रहे हैं। आज बेहतर में हम लोगों ने पहले भी एक निर्णय लिया था कि हर वार्ड में अगर एक सबमर्सिबल हर वार्ड में गाड़ा जाए 4800 वार्ड में। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि इस वार्ड में गाड़ा जाए लेकिन कुछ हमारे पदाधिकारी की गलती के चलते कुछ वार्ड को चिन्हित करके लिख दिया गया था पेपर के माध्यम से वैसा नहीं था और हम लोग हर वार्ड में पार्षदगण से यही अनुरोध करते हैं
आपके पास जो सरकार की जमीन है उसमें या कोई अपनी निजी जमीन भी अगर सबमर्सिबल देना चाहते हैं कि हम अपना दे दें, ये पानी का जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएगी, लेकिन उनको बॉन्ड देना पड़ेगा कि हम अपनी जमीन अपनी इच्छा अनुसार इसको सबमर्सिबल दे रहे हैं, ये मेरी कभी भी नहीं है। तो सबमर्सिबल गढ़ जाएगा एक बार, सरकारी निजी जमीन हो जाएगी या फिर 20 से 25 मई के बीच एक सप्ताह में 321 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, दरभंगा रेंज के तीनों जिलों में कार्रवाई, डीआईजी छत्रनील सिंह ने दी जानकारी। दरभंगा रेंज के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 20 से 25 मई तक एक सप्ताह में कुल 321 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे। दरभंगा में 129, मधुबनी में 114 और समस्तीपुर में 78 अभियुक्त सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। दरभंगा रेंज के डीआईजी छत्रनील सिंह ने दी मीडिया को तमाम जानकारी। उज्ज्वला योजना के तहत जिले के 20,000 घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाया गया, बचे हुए योग्य लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने का कार्य जारी। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। उज्ज्वला योजना के तहत जिला दरभंगा के 20,000 घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है, बचे हुए योग्य लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने का कार्य जारी है। जिलाधिकारी ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तेजी से दिलवाने का निर्देश दिया है। समीक्षा में पाया गया कि 561 ऐसे व्यक्ति का आवेदन प्राप्त हुआ जो अर्हता को पूरा नहीं करते थे, जिसको अस्वीकृत कर दिया गया। डीएम ने सभी एसडीओ एवं एमओ को राशन कार्ड का डाटा एंट्री तेजी से कराने को कहा है। वहीं अंत्योदय कार्ड का सत्यापन कर इसका डाटाबेस तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा में पाया गया कि छूटे हुए व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड बनवाने हेतु आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है, जिसका प्रोसेसिंग संतोषप्रद है। खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण ठीक ठाक बताया गया, लेकिन किरासन तेल का उठाव एवं वितरण 50% ही पाया गया, जिसे जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया है। समीक्षा में 3 एमओ की कार्य प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर उन्हें कारण परीक्षा किया गया है और उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। इसमें सदर, केवटी एवं कीरतपुर के एमओ शामिल हैं। इस बैठक में डीएम, डीएसओ, डीएम, एसएफसी, सभी एसडीओ एवं एमओ, सभी एजीएम, डिस्ट्रीब्यूटर आदि उपस्थित थे। एफसीआई के कोई एजीएम उपस्थित नहीं हुए, उन्हें शोकॉज किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, तारा डोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो, यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था, तो फिर देर किस बात की। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम्ड टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. Shailendra Jha, principal. सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की।
यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक अपना आपसों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार की हेडलाइंस पर। एमआरएम कॉलेज दरभंगा में प्रथम दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन, 110 छात्राओं को मिली स्नातक की डिग्री। सरकारी तालाबों के सर्वेक्षण हेतु टीम गठित, जल संकट का मुख्य कारण भूगर्भ जल स्तर का रिचार्ज नहीं होना, बोले डीएम। तालाबों को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करा होगी उराही, कहा नगर आयुक्त ने। सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आयोजित। 20 से 25 मई के बीच एक सप्ताह में 321 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, दरभंगा रेंज के तीनों जिलों में कार्रवाई, डीआईजी ने दी जानकारी। और उज्ज्वला योजना के तहत जिले के 20,000 घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाया गया, बचे हुए योग्य लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने का कार्य जारी, जिलाधिकारी ने कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति ने किया परीक्षा का निरीक्षण और कड़ाई करने के दिए निर्देश। प्रो वीसी ने किया परीक्षा का निरीक्षण और कड़ाई करने के निर्देश। संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा पूरे बिहार के 11 केंद्रों पर उपशास्त्री एवं शास्त्री की परीक्षा ली जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में चल रही परीक्षा की प्रथम पाली एवं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना में द्वितीय पाली का प्रोवीसी प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने औचक निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर केंद्र के पर्यवेक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार चौधरी एवं केंद्राधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार झा समेत प्रधानाचार्य डॉक्टर अश्विनी शर्मा के साथ साथ पटना केंद्र के पर्यवेक्षक डॉक्टर सहजानंद राय, अधीक्षक डॉक्टर भगवान नारायण मिश्र के अलावा प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार झा को हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा संयोजन का उन्होंने कड़ा निर्देश दिया। प्रोवीसी प्रोफेसर सिंह ने दोनों केंद्रों के करीब सभी कक्षाओं में जाकर खुद मुआयना किया एवं परीक्षार्थियों के हौसले की अफजाई भी की। उन्होंने परीक्षा संचालन संबंधी कागजों का भी अवलोकन किया। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि मुजफ्फरपुर केंद्र पर 420 और पटना में 489 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील अधिवक्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील अधिवक्ता की बैठक आयोजित हुई अधिवक्ता मिथिलेश्वर सिंह की अध्यक्षता में। बैठक में अधिवक्ताओं को नव निर्वाचित संसद की संभावना और जन आकांक्षा के प्रति जवाबदेही के उत्तरदायित्व पर अपनी राय व्यक्त किया। बैठक में कई अधिवक्तागण मौजूद हुए। जुलाई 2019 के द्वितीय सप्ताह में छात्र शिक्षक विनियम पर आयोजित होगा एक दिवसीय सेमिनार, मिथिला विश्वविद्यालय में होगा आयोजित। जुलाई 2019 के द्वितीय सप्ताह में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में छात्र शिक्षक विनियम पर एक सेमिनार का आयोजन होगा। इस सेमिनार में विनिमय हेतु छात्र शिक्षकों की अर्हता एवं शर्तों पर विस्तृत चर्चा होगी। उक्त बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में IAAC के चेयरमैन सुलपानी सिंह ने कही। इससे पूर्व इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बिहार झारखंड डेस्क के चेयरमैन सुलपानी सिंह कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह से मिलकर छात्रों एवं शिक्षकों के बीच इंडो अमेरिकन विनियम कार्यक्रम चलाने हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के साथ कोलेब्रेशन का प्रस्ताव रखा। कुलपति ने अध्यक्ष छात्र कल्याण एवं CCDC को इस संबंध में कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु पदाधिकारियों का पैनल किया जाएगा गठित। भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु निरीक्षी पदाधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा। इस पैनल में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार, CPSE, पब्लिक सेक्टर, बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारी को रखा जाएगा। इस पैनल में जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक के एक सर्विसमैन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, लेक्चरर, उच्च विद्यालयों के स्नातकोत्तर शिक्षक आदि भी स्थान पा सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा को पत्र लिखकर दरभंगा जिले में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षा केंद्रों के लिए पैनल बनाने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया है।
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पैनल में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के लिए भत्ते की भी घोषणा की गई है। ग्रुप ए राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए एक पाली की परीक्षा के लिए 600 रुपये एवं दोनों पालियों की परीक्षा के लिए 1000 रुपये भत्ता देय होगा। वहीं ग्रुप बी राजपत्रित पदाधिकारियों को एक पाली की परीक्षा के लिए 450 एवं दोनों पाली की परीक्षा के लिए 750 रुपया देय होगा। इच्छुक सेवानिवृत्त राजपत्रित पदाधिकारी प्रोफेसर शिक्षक जेसीओ एक्स सर्विसमैन इस पैनल में अपना नाम जुड़वाने हेतु अपना बायोडाटा कर्मचारी चयन आयोग के पते पर भेज सकते हैं, जो निम्न है। क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र 21-23 लोकसर रोड प्रयागराज पिन 211002। आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु 29 मई से लिए जाएंगे आवेदन। आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए 29 मई से लिए जाएंगे आवेदन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार द्वारा संचालित जिले के आवासीय विद्यालयों में सत्र 2019-2020 में नामांकन के लिए 29 मई से 4 जून 2019 तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में आंशिक संशोधन किया गया है। आवेदक द्वारा 18 जून से 21 जून के बीच जिला कल्याण कार्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 23 जून रविवार को आयोजित की जाएगी एवं 29 जून 2019 को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया 1 से 6 जुलाई 2019 तक पूरी कर ली जाएगी एवं 8 जुलाई से कक्षा प्रारंभ होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी को जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने एवं विधि व्यवस्था संधारण कर कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया गया है। उक्त प्रवेश परीक्षा में आवासीय विद्यालयों के विभागीय शिक्षकों को वीक्षण कार्य से पूर्ण रूपेण अलग रखने को कहा गया है। विभाग द्वारा इस परीक्षा के संचालन की संपूर्ण जवाबदेही जिला कल्याण पदाधिकारी को सौंपी गई है। उपनिदेशक कल्याण को इसका निरंतर अनुश्रवण करते रहने को कहा गया है। ये था तक के समाचार, विदलेंगे आपसे नजर एक बार हेडलाइंस पर। एमआरएम कॉलेज दरभंगा में प्रथम दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन, 110 छात्राओं को मिली स्नातक की डिग्री। सरकारी तालाबों के सर्वेक्षण हेतु टीम गठित, जल संकट का मुख्य कारण भूगर्भ जल स्तर का रिचार्ज नहीं होना, बोले डीएम। तालाबों को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करा होगी उराही, कहा नगर आयुक्त ने। सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आयोजित। 20 से 25 मई के बीच एक सप्ताह में 321 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, दरभंगा रेंज के तीनों जिलों में कार्रवाई, डीआईजी ने दी जानकारी। और उज्ज्वला योजना के तहत जिले के 20,000 घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाया गया, बचे हुए योग्य लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने का कार्य जारी, जिलाधिकारी ने कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।